जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सभा में जानलेवा हमला। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर हुआ है, स्मोक बम से हुआ है यह हमला। दोस्तों पूरी जानकारी आपको बताएंगे और शख्स के साथ क्या हुआ और क्या था इसका मंसूबा, सारी जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां दुनिया के टॉप 21 देशों में हुआ, भारत के केंद्र सरकार को लेकर सर्वे जिसमें निकल कर आया है, ये रिजल्ट बताएंगे दोस्तों क्या है, जिससे पता चलेगा 2024 का रिजल्ट क्या होने वाला। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कश्मीर में G20 पर बौखलाए पाकिस्तान को, भारत ने फिर आज दे दिया है करारा जवाब, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान, सारी जानकारी बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सभा में बड़ा धमाका, बाल बाल बची जान, हमलावर गिरफ्तार। बता दे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर स्मोक बम से हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार वो एक सभा में भाषण दे रहे थे, पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जापानी मीडिया ने कहा कि शनिवार को वाकायामा शहर में एक बाहरी भाषण के दौरान जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के पास एक पाइप जैसी वस्तु फेंकी गई। इससे पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की अभियान भाषण देते समय हत्या कर दी गई थी। ये घटना ठीक 9 महीने बाद सामने आई है। जापान अगले महीने हिरोशिमा में 7G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने जापान मीडिया निजी के हवाले से बताया है कि फुमियो किशिदा पर जानलेवा हमला तब हुआ जब वो सभा में अपना भाषण दे रहे थे। सार्वजनिक प्रसारक NHK ने बताया कि घटनास्थल पर विस्फोटक जैसी आवाज सुनाई दी। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और किशिदा को घेरे में लेते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जीजी के मुताबिक आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि सभा पर स्मोक बम फेंकने वाला वही था। पुलिस टीम उनसे सघन पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वो सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के समर्थन में स्पीच दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों ये हमला ठीक शिंजो आबे की तरह ही हुआ है, क्योंकि शिंजो आबे भी खुले में भाषण दे रहे थे और अचानक उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। और अब दोस्तों फुमियो किशिदा को लेकर यह सबसे बड़ी जानकारी, लेकिन इस खबर ने एक चीज तो बता दिया है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सुरक्षित देश माने जाने वाला जापान भी अब सुरक्षित नहीं है। जब प्रधानमंत्री तक हमलावर पहुंच सकते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कल्पना कर पा रहे होंगे कि वहां की जनता पर कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और जापान भी अब सबसे ज्यादा सुरक्षित देश के लिस्ट में नीचे आ सकता है। बहरहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी जो भी निजी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, लेकिन लगातार जापान के पीछे चाइना पड़ा हुआ है और हो भी सकता है कि ये हमलावर चाइना से प्रेरित हो। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बात करते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां हर भारतीय को इस खबर का था इंतजार। बता दें दोस्तों दुनिया के टॉप 21 देशों में हुआ सर्वे, भारतीयों को अपनी सरकार पर सबसे अधिक भरोसा। जी हां, नंबर 1 है उनके नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार। जी हां, भारत में पीएम मोदी की सरकार के लगभग 9 साल पूरे होने वाले हैं। इतने लंबे अरसे से सत्ता में रहने के बावजूद मोदी सरकार देश में लोकप्रिय बने हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के टॉप 21 देशों में कराए गए इस सर्वे में ये बात निकल कर सामने आई है। जी हां, मार्केट रिसर्च फर्म एप्सोस ग्लोबल ट्रस्ट मॉनिटर द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये बात निकल कर सामने आई है कि भारतीय लोगों को अपनी सरकार में सबसे अधिक भरोसा है। सर्वे का मकसद ये जानना था कि इन 21 देशों के लोगों को अपनी सरकार पर कितना भरोसा है। सर्वेक्षण के दौरान रिसर्च फर्म ने कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और अमेरिका सहित 21 देशों में लोगों से बात की। अधिकांश देशों में 16 से 74 साल के लोगों के बीच वहां की सरकार को लेकर उनकी राय पूछी गई। इनमें से दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और अमेरिका में 18 से 74 साल के लोगों से राय पूछी गई। ये सर्वे बीते साल अगस्त और सितंबर महीने के बीच 15 दिनों में संपन्न हुआ। इस सर्वे में पाया गया कि भारत के शहरी इलाकों में रहने वाली जनता के बीच भाजपा सरकार का प्रभाव सबसे अधिक है। इस सर्वे में शहरी भारतीयों ने भारत के सभी 11 संस्थानों और संगठनों में अधिक विश्वास दिखाया। सर्वे के परिणामों के मुताबिक भारत सरकार पर 52% लोगों ने भरोसा जताया है, जो कि बाकी देशों की तुलना में सबसे अधिक है। जी हां, और उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री बताया है। ऐसे में ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है।
है। और दोस्तों हो सकता है कि ये खबर 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करे और मोदी जी और मोदी सरकार के लिए फायदा साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि भारत की जो अभी की सरकार है वो कितनी बेस्ट है आपके नजर में, 0 या 10 कितना नंबर आप देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं दोस्तों क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। और आज जितनी ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां G20 पर बौखलाए पाकिस्तान को भारत की दो टुक, कहा कि अपने काम से काम रखो। जी हां, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान को भारत की उन्नति देखी नहीं जा रही है। भारत G20 की बैठक लेकर काफी उत्साहित है मगर ये बात पाकिस्तान को फूटी कौड़ी भी नहीं सुहा रही। भारत के जम्मू कश्मीर में G20 के आयोजन पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी मगर भारत ने दो टुक शब्दों में पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान की उस आपत्ति को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पर्यटन पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22-24 मई को श्रीनगर में होने वाली है। जम्मू कश्मीर की राजधानी में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। मार्च 2022 में कश्मीर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में 36 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजनयिक हलकों के एक वर्ग के मुताबिक भारत इस बार वहां G20 की मेजबानी का फैसला कर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना चाहती है। संयोग से पाकिस्तान ने श्रीनगर को पिछले साल G20 के लिए स्थल के रूप में घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। बाद में चीन आपत्ति में शामिल हो गया। उस समय नई दिल्ली ने भी कहा था कि घोषणा के अनुरूप श्रीनगर में G20 का आयोजन होगा। साथ ही साथ इस खबर से एक चीज और क्लियर होता है दोस्तों कि पाकिस्तान अपने दुख से परेशान नहीं है बल्कि भारत के सुख से दुखी है। ऐसे में आप जो भी अपनी राय देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, कहा पुतिन को उनके वफादारों से ही मिलेगा तगड़ा धोखा। बता दें अमेरिका के कुछ खुफिया दस्तावेज लीक हुए हैं जिनसे पता चला है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके करीबी ही धोखा देने की योजना बना रहे हैं। इन टॉप सीक्रेट दस्तावेजों में बताया गया है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका किसी गुप्त स्थान पर इलाज चल रहा है। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन लीक दस्तावेजों से पता चलता है कि रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलेरी गेरासिमोव और रशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने पुतिन को धोखा देने की योजना बनाई है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि पुतिन किस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि पुतिन कैंसर से पीड़ित है। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की ऑफिशियली। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत में 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को लेकर भारत अपना तैयार अप्रूवल के लिए CCS के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। बता दें भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। अब वो अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट को तैयार करने को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाने जा रहा है और उसने लंबे समय से रुके अपने प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। भारत फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो में अमेरिका की ओर से दिखाए गए F-35A जेट को लेकर अपनी उत्सुकता दिखा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया है कि 2 इंजन वाले स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA जिसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है, उसको सरकार की मंजूरी के लिए PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जल्द ही भेजा जाएगा। सूत्रों ने इस मामले में बताया जेट को लेकर आने वाली लागत, डिजाइन और स्वदेशी सामग्री के स्तर पर व्यापक अंतर मंत्रालय परामर्श का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान को लेकर। साथ ही साथ एक और खबर बताते हैं, जहां बहुत बड़ी खबर, CM योगी ने दिया नया संदेश असद अहमद के एनकाउंटर पर इस मुस्लिम नेता के बयान की हो रही जमकर चर्चा। बता दे उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आज BJP अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और UP BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली सहित अल्पसंख्यक मोर्चे के कई नेता यूपी के मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और मुसलमानों से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से अवगत कराया और कहा कि BJP सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अल्पसंख्यक समाज को भी सरकारी योजनाओं में बराबर का लाभ दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमान भी BJP पर भरोसा करें। इसीलिए प्रधानमंत्री के मन की बात के 100 एपिसोड उर्दू में छपवाकर उसकी 1,00,000 किताबें देश भर के मुसलमानों में बांटने का फैसला लिया गया है ताकि देश के मुसलमानों को सरकार द्वारा उनके लिए
लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं वाकई बहुत अच्छा कार्य हो रहा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।